दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हम मिर्जापुर के लिए पागल हुए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसे भी वेब सीरीज रिलीज की जा रही हैं जिनका इंतजार आप बेसब्री से कर रहे हैं, और ये सभी सीरीज में भी हो सकती है मिर्जापुर से भी ज्यादा अच्छी। तो दोस्तों समय की बर्बादी ना करते हुए चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग अपकमिंग हिंदी वेब सीरीज है आज के हमारे इस काउंटडाउन में जिन्हें रिलीज की जा रही है 2024 में। नंबर 10 पर है डब्बा काटल। थ्रिलर और क्राइम के ऊपर बनने जा रही है ये पूरी की पूरी सीरीज। सीरीज की कहानी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे औरतों से जो कि डब्बा का बिजनेस कर रही होती है, लेकिन इसी बीच वो डब्बे में कुछ इलीगल काम भी कर रही होती है। लेकिन ये सभी औरतें किस तरह इस खतरनाक और इलीगल काम को अंजाम दे रही होती है और पुलिस लास्ट तक इन सभी लोगों तक किस तरह पहुँचती है, ये सारी की सारी चीजें इसमें दिखाने की कोशिश की जाएगी। इसकी रिलीज डेट फिलहाल अभी तक दी नहीं गई है, लेकिन इसे रिलीज की जा रही है नेटफ्लिक्स पर, वो भी 2024 में। नंबर 9 पर है मंडेला मर्डर्स। थ्रिलर क्राइम और हॉरर के ऊपर बनने जा रही है ये पूरी सीरीज। कहानी की अगर हम बात करें तो ये पूरी सीरीज आपको थोड़ी बहुत सुपर नेचुरल भी लगने वाली होगी, क्योंकि इस सीरीज में कुछ ऐसे भी दृश्य आपको नजर आने वाले होंगे जिन्हें देखने के बाद आप अपने आंखों पर विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। कहानी की शुरुआत होगी कुछ ऐसे मर्डर केस से जिन्हें पुलिस किसी भी तरह से सॉल्व करना चाहती है, लेकिन इस बार ये सभी मर्डर्स आपको बहुत ही ज्यादा अनोखे लगने वाले होंगे। इसकी फिलहाल अभी तक रिलीज डेट दी नहीं गई है, लेकिन इसे फाइनली रिलीज कर दी जाएगी 2024 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। नंबर 8 IC 814 द कांधार हाईजैक। थ्रिलर और क्राइम के ऊपर बनने वाली ये कहानी पूरी तरह से एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी आपको इस बार एक ऐसे प्लेन हाईजैक के बारे में दिखाने वाली है जिसे हाईजैक कर कांधार उतारा जाता है, लेकिन असल में इस प्लेन हाईजैक के पीछे क्या मोटो है क्रिमिनल्स का, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। कहानी पूरी तरह से सच्ची घटना पर आधारित है। इसकी फिलहाल अभी तक रिलीज डेट दी नहीं गई है, लेकिन इसे फाइनली रिलीज कर दी जाएगी 2024 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। नंबर 7 11 11 क्राइम और थ्रिलर के ऊपर बनने जा रही ये कहानी भी आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी, क्योंकि इस कहानी में यूं तो मर्डर केस को ही सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन यकीन मानिए ये सभी के सभी मर्डर केसेस आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली होगी, क्योंकि इसकी स्टोरी बड़े ही अनोखे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट की गई है। क्योंकि इसकी स्टोरी आपके सामने बड़े ही अनोखे तरीके से प्रेजेंट की जाएगी, जिसे इंसान कर रहे हैं या भूत, इसी कंफ्यूजन में ये पूरी की पूरी सीरीज आप खत्म करने वाले होंगे। इसकी रिलीज डेट फिलहाल अभी तक दी नहीं गई है, लेकिन इसे फाइनली रिलीज कर दी जाएगी Z5 पर, वो भी 2024 में। नंबर 6 ये काली काली आंखें Season 2। क्राइम और थ्रिलर के ऊपर बनने वाली इसकी स्टोरी आपको फिर से एक बार एक अनोखे सफर पर लेकर जाने वाली है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये काली काली आंखें Season 1 में बहुत सारी चीजों को अधूरा छोड़ दिया गया था, और उन्हीं अधूरे चीजों को इस बार Season 2 में कम्प्लीट करने की कोशिश की जाएगी। विराट की मुश्किलें बढ़ती हैं या कमती हैं, ये तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है। इसकी भी रिलीज डेट अभी तक दी नहीं गई है, लेकिन इसे फाइनली रिलीज कर दी जाएगी 2024 में, भी नेटफ्लिक्स पर। नंबर 5 खाकी Season 2। क्राइम और थ्रिलर के ऊपर बनने वाली इस सीरीज का भी इंतजार सभी बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि खाकी की Season 1 जबरदस्त हिट रही थी। इवन Season 2 में भी आप एक सच्ची घटना को देखने वाले हैं, और ये सच्ची घटना असल में क्या होगी, इवन खाकी की Season 2 की स्टोरी क्या होगी, ये फिलहाल अभी तक रिवील नहीं की गई है। इसकी भी रिलीज डेट अभी तक दी नहीं गई है, लेकिन इसे फाइनली रिलीज कर दी जाएगी नेटफ्लिक्स 2024 में। नंबर 4 रणनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड। क्राइम और थ्रिलर के ऊपर बनने वाली इस सीरीज को किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी की पूरी सीरीज एक्चुअल में बालाकोट के पूरे इंसिडेंट को आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही है, यानी कि बालाकोट में किस तरह टेररिस्ट ने अटैक किया था और किस तरह बालाकोट का बदला लिया गया था, ये सारी की सारी चीजें इस सीरीज में आप देख पाएंगे। इसकी फिलहाल अभी तक रिलीज डेट दी नहीं गई है, लेकिन इसे रिलीज कर दी जाएगी जियो सिनेमा पर, वो भी 2024 में। नंबर 3 हीरा मंडी द डायमंड बाजार। दोस्तों इस सीरीज का इंतजार सभी बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि संजय लीला वंशवाली की पहली वेब सीरीज जिसका इंतजार शायद ही लोग इतना ज्यादा एक्साइटिंग होकर कर रहे हैं। सीरीज की शुरुआत होती है एक ऐसे बाजार से जहां पर तवायफ रहती है, लेकिन ये तवायफ जब अपने पर उतर आती है और स्वतंत्रता संग्राम में जब भाग लेती है तो ब्रिटिश शासन किस तरह हिलती है, ये पूरी की पूरी चीज इस सीरीज में दिखाने की कोशिश की जाएगी। इसकी रिलीज डेट दी गई है 1 मई 2024 में, वो भी नेटफ्लिक्स पर। कहानी बेस्ड है क्राइम और थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। नंबर 2 पर है द फैमिली मैन Season 3। क्राइम और थ्रिलर के ऊपर बनने जा रही इस सीरीज में आप फिर से श्रीकांत को एक नए मिशन पर देखने वाले हैं, और श्रीकांत अपने इस नए मिशन को किस तरह कामयाब करता है, ये भी इस सीरीज में दिखाने की कोशिश की जाएगी। सीरीज की स्टोरी बेस्ड है क्राइम और थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। इसकी रिलीज डेट फिलहाल अभी तक दी नहीं गई है, लेकिन इसे फाइनली रिलीज कर दी जाएगी 2024 में, वो भी Amazon Prime Video पर।
और नंबर वन पर हम बात करेंगे पाताल लोक सीजन 2। दोस्तों इस सीरीज का भी इंतजार सभी बेसब्री से कर रहे हैं। इसकी स्टोरी बेस्ड होने वाली है क्राइम और थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। कहानी की शुरुआत होने वाली है फिर से हाथी से, जो कि फिर से पाताल लोक के कुछ कीड़े मकोड़ों को मसलने वाले हैं। और इस बार पाताल लोक का विलन कौन होता है और हाथी इस पाताल लोक के विलन को किस तरह पछाड़ता है, ये सारी की सारी चीजें आप इस सीरीज में देख पाएंगे। इसका इंतजार सभी बेसब्री से कर रहे हैं। फाइनली इसे रिलीज कर दी जाएगी 2024 में, वो भी अमेजोन प्राइम वीडियो पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।